अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बेवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट्स रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। राजन दादा पहुँचे हैं MIM को समर्थन देने के लिए, जो MIM का शोरण के खिलाफ यहाँ पर भूख हड़ताल जारी है। आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। जो त्या काळात जो अधिकारी होता त्याची ती चुकी आहे ना, मग ते तुम्ही आता का इकडं हे आमच्या मुंबईतल्या नागरिकांवर का फक्त पिढीचं ते आता पहिला तर तुम्ही सांगितलं की पिढीचं काय होणार नाही काय नाही, आणि आता जितेंद्र आवडसो यांनी स्वतः सांगितलं की पिढी का कुछ होने वाला नाही आहे, कुछ भी किसके ऊपर भार नाही आएगा, आणि आता हे करतोय तो जिकडे तिकडे जितेंद्र आवड कॅम्प घेतोय आणि लोकांचे म्हणजे सेटलमेंट करण्यासाठी ते हे करतोय। आणि आम्ही जेव्हा कॅम्पवाल्यांना जेव्हा पळून लावलं टोरंटवाल्यांना, तेव्हा जितेंद्र आवड आम्हाला फोन करू शकतो, अरे ते मी कॅम्प ठेवला होता, अरे मग तुझी जी काय भूमिका आहे ना ती स्पष्ट कर की तू टोरंटच्या फेवर मध्ये आहे की टोरंटच्या विरोधात आहे, म्हणजे तुझी भूमिका स्पष्ट कर ना आमदार म्हणून। आमचं हे म्हणणं आहे, म्हणजे चुकी नागरिकांची नाही ना, पीडी नागरिकांची चुकी आहे का सांगा ना सर, मला नागरिकांची चुकी आहे नाही ना, नागरिकांची चुकी आहे पीडी। आता ज्यावर जो अधिकारी होता त्याची चुकी आहे की नाही, नागरिकांना का बोलतो ना, नागरिकांनी का सुटावा हा त्रास। ऑलरेडी है, चल रहा है, आणि टोरंट ते जबरदस्ती मीटर लावण्याचे काम करतो ते। तुम्ही आता बोलले की आम्ही त्यांना जबरदस्ती मीटर लावून म्हणून आदेश दिलेले, तर म्हणजे तो त्याच्या मनमनी कारभार करत होता टोरंट याचा अर्थ। आता नागरिकांनी काही समाजसेवकांनी समजा तुम्हाला सांगितलं की टोरंट अशा पद्धतीने करतोय म्हणून तुम्ही आता त्या टोरंटला हे केलं ना की जबरदस्ती मीटर लावू नको, म्हणजे तो मनमानी करत होता ना टोरंट, टोरंट मनमानी करत होता की नाही? टेस्टिंग रिपोर्ट कुठं देतो तुम्ही? तुमचा जो टोरंटचा पण मीटर लावला नवीन, तर नागरिक त्याच्यासाठी टेस्टिंग रिपोर्ट मागतात, तर टेस्टिंग रिपोर्ट का नाही देत टोरंट? अच्छा, उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज सर, तुम लाके खुद मीटर लगा रहे हो, अगर कंज्यूमर मानता है कि मेरे वहाँ मीटर लगा है वो लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट, तो उसके लिए तुम फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते हो? व्हील लेकर आता है तो वो एक कंज्यूमर के लिए लेकर आता है, कैसी हमारे वो लेकर तो पूरे कंज्यूमर के लिए आता है, तो वो एक कंज्यूमर से ऐसा चार्ज लेता है तो स्कैम है सर। आपने लाइन काटा, आपने पैसा भर दिया बिल कंज्यूमर ने, तो उसके बाद 200 रुपया एक्स्ट्रा लेते सर, वो कैश में लेता पैसा, ऑनलाइन नहीं लेता, बोलते हैं ऑनलाइन काम राहिलं नाही, म्हणजे नगर सेवक असो किंवा सोशल वर्कर असो समाज सेवक असो त्यांच्याकडे कुठलंच काम नाही आहे। तुम्ही जर त्यांच्या कार्यालयात जर बघितलं, नगर सेवक असू दे किंवा सामाजिक कार्यकर्ते असू दे, कुठले पक्षाचे कार्यकर्ते असू दे, तर त्यांच्या कार्यालयात तुम्हाला एकच दिसेल की सगळ्या टोरंटच्या विरोधात लोक म्हणजे अक्षरशः आव पडत असतात, रडत असतात,
अरे औरतें कहाँ से हम भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, 70,000-80,000 कहाँ से भरेंगे, 5-5 लाख फाइन मार रहे, 4 लाख फाइन मार रहे, 2.5 लाख 3 लाख 5-5 लाख फाइन मार रहे, नहीं है कहीं पे भी फाइन, 3 लाख कहाँ से भरेंगे, कहाँ से भरेंगे साहब, ये ऊपर तक नीचे के नाम लेके पुलिस ये चीज जो है हाई कोर्ट में गया है, हो चुकी है आप लोग 1 लाख रुपया जो हमारा शेयर के अंदर कितना पावर लगा है वो एक जाएगा बिका जाएगा, और इंसान लगा है ना एमसीएल के टाइम पे लगाते तो ये हालात नहीं रहता, नहीं होते, ये 500 आदमी रखा है तो उसकी सैलरी हमारे उस पे से निकालेगा, पब्लिक से लेगा पैसा, वो इतनी सालों से आपकी रिकवरी नहीं हो रही, पीडी हो रही है, आपने अपना अधिकारी से क्या क्या गाली निकाल के लगा देगी साहब, 50 आदमी इसके आगे खाली बॉक्स से आज करो साहब ये फैसला, आज ये कैसा है कार्रवाई तुम ही करा जितेंद्र अवार्ड ने यही बोला था मेरी सरकार आएगी, सरकार आएगी तो मैं टोरेंट को भगा दूंगा, भगाया गया तो सब सेल्समैन है उसके यहाँ पे, आप विधानसभा में आवाज उठा रहे हो, जनता यहाँ मर रही है सर, अगर अभी वो एक्टिंग है सब, अगर उनको जेन्युइनली काम करना होता तो आज से 6 महीना पहले उनकी सरकार थी वो सब माफ करवा के दे देते दे, वो सब यानी रोक लगा देते, लेकिन अब वो एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा ये संभल से 3 साल से हमने सबसे बड़ा क्या करेगा, 3 साल से दे रहे, अगर सर अगर इसके ऊपर 3 साल में आप ये करते हैं, अभी हम चैलेंज के साथ अधिकारी वो ऑफिसर लोगों को परचेस है हम लोग करेंगे करेंगे, लेकिन आप लोग ये कुछ करिए, अभी तत्काल करा कितने लेटर आपने लिए मेरे को, बहुत लेटर है, लेकिन क्या फायदा लेकर ये सब कुछ जो है आज निकाल के जाओ, पहली बात तो यहाँ एक ऑफिस आपका होना चाहिए, अगर किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम वो लोग नहीं सॉल्व करें, विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब ने वहां पर आंदोलन किया था टोरेंट में, उनको बोला था कि जब तक 3 नोटिस नहीं जाएगा तब तक विजिलेंस नहीं हुआ, अभी मैं एक मेरे ऑफिस में एक लेडीज आई थी सुबह में, मैं उसको लेके आता हूँ, उसको कहाँ 3 नोटिस मिला, केस हुआ उसके ऊपर परसों, उसको आके जाके उसके ऊपर विजिलेंस केस करा की गई, अच्छा मीटर भी नहीं दे रहा, केस भी कर रहे हैं तो दादागिरी है, दादागिरी है तो इसका हल तो आपको निकालना ही होगा साहब, आप आए हैं ना, ये जल्दी तुम्ही का डिसीजन घेऊन पण काय फायदा, बिना कारण तुम्ही उलट तुमच्याकडून म्हणजे आमच्याकडून कोणाकडून तुम्हाला काय वाईट बोलला जाईल तर त्याच्यापेक्षा तुम्ही न आलेलं बरं, तुमचे जे डिसिजन मेकर जे कोण असेल ना, निर्णय घेणार कोण असेल ना, त्याला पाठवा, त्याच्यानंतर आपण काय म्हणजे काहीतरी हे झालं तर नंतर आपण हे करू, तुम्ही डिसिजन घेऊ शकत नाही, निवेदन तू वाचलंय साहेब तो इसका क्या है, सही तरीके से जो भी है अभी हमारे वरिष्ठ है पार्टी सभी यहाँ के लोग हैं उनके सामने आप एक टिकट में दे दो, नहीं मैं करके आपको कुछ पावर है ऐसा मुझे पता है आपको पावर है, सगळे लोक जे जे मुंबईच्या मला जो सोचते सगळे इथे सगळे येऊन जाणार मोर्चा किया था एनसीपी वालों ने, जो मोर्चा किया था वहां पर ताला वाला लगा दिया था, तो उस संदर्भ में ठीक है अभी आप अगर सरकार में हो तो आप यहाँ के जिम्मेदार हो तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है, स्टंटबाजी मोर्चा धरना आंदोलन ये सब करने की जरूरत क्या है, ये सब मतलब दिखावा है, दिखावा है ना, तो मेरा हमारे मुमरा वासियों से यही कहना है कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। राजेंद्र साहब आज आप आए थे एमआईएम के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहाँ पर आप आए समर्थन दिए, क्या कहना चाहिए, क्या है कि आज एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है टोरेंट हटाओ मुमरा बचाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुमरा के कुछ मरे अच्छे समाज सेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सेफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे हैं, तो मैं समझा कि आज मुमरा के इश्यू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है
मुमरा के हित में कुछ अगर हो रहा है तो उसको मुमरा के हित में अपने को भी जाना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हुआ है, दिया हूँ, और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग है, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हम पूरा सिर्फ भाई को समर्थन। देखा जा रहा है कि टोरेंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुमरा शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में। अभी क्या है कि मुमरा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टैंडबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र रावत है, वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कर कोई भी चीज के लिए आंदोलन किया हुआ है, तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुंचा है। मेरे को कोई भी ऐसा एक ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए और काम के लिए आंदोलन किया और उसका अंजाम तक पहुंचा है। सिर्फ कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग को तुरंत इन लोग को खबर लग जाती है, स्टैंडबाजी करना चालू कर देते। अभी पिछले हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, ठीक है, मुमरा का कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुमरा में टोरेंट के जो अत्याचार है उनको खत्म होना चाहिए, अत्याचार को। उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था, क्या मालूम अभी कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए, वो भी मालूम नहीं कैसे ताला खुल गया, इसका भी जरा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि तीन नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुनाह दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई होगी। तो ये सब अभी टीम में मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फोन किया, लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुना। मैं बोला ठीक है, बोला कल सुबह में आऊँ, तो मैं उनको मिला आज, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुना दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया, तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस लिया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाकर फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसा एक टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है। तो उनको जरा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, तीन नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि तीन नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि यह तीन नोटिस न देते हुए उन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस की उन्होंने। राजन दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और आज भी सीएम के जो है काफी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है, तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुमरा कलवा शील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग करते? इससे पहले भी सीएम से मुलाकात कर सकते हैं, पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते, लेकिन आप तो सीएम बन चुके हैं तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटा दो। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद उन इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुमरा के लिए लेके आएंगे। क्या होता है कि मुमरा में जब सीएम साहब आते तो ये सब चीजें मांगना मांगता है उनसे। मुमरा में जब सीएम साहब, खासदार साहब आते तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े, वो बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े वो, लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र अवार्ड अंगार है बाकी सब अंगार है। इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है उससे अपने गांव के लिए कुछ मांगना चाहिए, तो उनको अपन भंगार बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य है? योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुमरा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। एमएससीडीसीएल के अधिकारी आए थे, आप भी वहां थे, क्या चर्चा हुई, क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब जो चीजें है वो क्वेश्चन पीछे ले लो, लेकिन हमारे भाई है वो क्वेश्चन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो अधिकारी आए थे वो डिसीजन मेकर। मैं उनको एक ही सवाल पूछा कि आप डिसीजन मेकर है क्या, आप डिसीजन ले सकते हैं जो हमारे मुद्दे है वो मुद्दे को आप ये कर सकते हैं, जो राष्ट्र मुद्दे है उनको आप ये कर सकते, मंजूर कर सकते क्या? तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर सकते। फिर आप आए क्यों? आप जब कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो आप मत आओ। आपके जो जिम्मेदार है, जो आपको यहाँ पर जो हमारे मुद्दे, हमारा जो निवेदन है
जो निवेदन दिया है उसके ऊपर आप अगर सोच विचार करके अगर आप आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, कोई जवाबदार अधिकारी आएगा तो उससे बात करने में कोई अलग ही मजा रहेगा। Go!